लेकिन आश्चर्य कब अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई ना कोई घचपच किया है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए कौन क्या कर रहा है। सर वो आएंगे तो जरूर इस मुद्दे पर कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे बिगड़ा है बिहार का, नहीं लॉ एंड ऑर्डर है। आप जरा सोचें लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है, आप तो पूरे तौर पर देखिए ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो बदमाशी करना है, ये आपस का झगड़ा करना ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको, और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बढ़िया चीज़ आप रख लिखिएगा तो छपेगा कोई बात नहीं, आप लोगों का कोई चीज़ नहीं है। करिएगा कि आजकल ऐसा ना हो गया है जिस तरह से बढ़िया चीज़ नहीं उल्टे पुलटा चीज़ कर छोड़िए ना, वो सब तो आपस की आपस की बातचीत है, बाकी जो कितनो बढ़िया लिखिएगा थोड़ी चलेगा, वो तो इधर से उधर चलता है। आश्वस्त करते हैं कि पूरे तौर पर एक एक चीज के लिए सरकार अलर्ट है और सारे अधिकारियों को उसमें लगाया गया है कि पूरे तौर पर देखो। अरे हट कर जाइए, बड़ी दुख की बात है। सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम 6 बजे बिहारशरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहाँ भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था, सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग, इस बार आज काहे कर रहा था। हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ जैसे पता चला, हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा था। तो वो सब नहीं, और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से जो उसका अधिकार है। ये हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए, अमित शाह ने सासाराम को कैंसिल कर दिया अपना, अमित शाह ने सासाराम का दौरा कैंसिल कर दिया, उसके बारे में हमको नहीं पता। बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हैं बीजेपी कह रही है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, कहीं फालतू बात है, ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ जब भी आए हैं या जो भी जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं, लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं, हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं और कहीं से सरकार की तरफ से होता कोई कभी। लेकिन आश्चर्य कब अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर